यानी गुरु के शरण में आ जाने के बाद एक पुनर्जन्म होता है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 9 मई और आज के दिन मेरे घर पे हर साल बड़ा भंडारा होता है। तो बड़ा सा भंडारा होता है कहने का मतलब, तो मेरे घर पे बड़ा भंडारा क्यों होता है, वो भी साधु संतों का भंडारा क्यों होता है, आइए जानते हैं मेरे पिताश्री से। आज मेरे परम पूजनीय श्री सदगुरुदेव महाराज की 7वीं पुण्यतिथि है। विदित हो मेरे परम पूजनीय गुरुदेव दिनांक 9/5/2016 को इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ धाम को पधार गए। उनकी स्मृति में हम जितने शिष्य हैं सभी शिष्य मिल करके भंडारा का आयोजन करते हैं, जिसमें उनको जानने वाले जितने भी संत महात्मा स्थानीय हैं वो आमंत्रित रहते हैं और उनके स्मृति के उपलक्ष में हम लोग सत्संग का आयोजन करते हैं, भंडारा का आयोजन करते हैं। उल्लेखनीय है कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक ये भंडारा का आयोजन करते रहेंगे, आगे आने वाली प्रिय जैसे करें, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और इस सत्संग के माध्यम से हम लोग गुरु महाराज के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हेलो बाबा भूदास अहाँ कने स्टेज पर आकर अपन मधुर बाणी हमरा सबके सुनाबी। हम लोग
शिक्षक सभी आवाज आज के आयोजन सबको जानते पर्व पूजनीय हमारे सदगुरुदेव महाराज जी आज के डेट में 9/5/2016 के अपन इंद्रेश्वर साइकिल के त्याग कर अपन संत लोग वैकुंठ धाम के प्रयाण कर वही उपलक्ष्य में हम सब जितने हर शिष्य गण छे हर पुण्यतिथि पर बर्ची पर सत्संग के आयोजन करे और अपने सब संत समाज एत दर्शन दमरा सबके विस्तृत करात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग तुले रहता है सकल मिले जो सुख लव सत्संग केतो स्वर्ग अपवर्ग के सुख प्राप्त भ जाए धरती के सुख के छोड़ती हो आई काल स्वर्ग के कामना लोग करे हम सब कहे हमर कोई दिवंगत भ जाए की कहे स्वर्गीय भ गए लेकिन अपन वेद शास्त्र कहे स्वर्ग की कामना करने वाला मूर्ख होता है क्योंकि वह स्वर्ग भी जो है तो आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं लेकिन पुनः वह जीव संसार में वापस आता है जब पुण्य छीन होता है ज्यादा देर समय नहीं है। तो हम जो जीव हैं तो वास्तविक में हम वासी वही देश के जाति वर्ण तुलना है हम उस देश के पास हैं। कबीर साहब ने कहा कि चले बटो ही धाके बाट तर सुत भैया ऊपर घाट कैसी बानी है कि राही चलता है यात्री चलता है सड़क पर तो यात्री नहीं थकता है लेकिन रास्ता थक जाता है। कबीर साहब ने ये कैसे कहा कि रास्ता थक रहा है और चलने वाला नहीं थक रहा है इस पर बहुत गुण रहस्य है कि हम जो जीव हैं सो अनंत काल के यात्री हैं उस यात्री में यह शरीर एक पड़ाव है तो कितना शरीर मिला हमको उसका कोई ठिकाना नहीं है तो ये रास्ता शरीर जो है से सड़क है और कितना शरीर मिला चीटी पिपरी से लेके हम हिंसक जीव है संसार का वैसा कोई जोनी नहीं है जिसमें हम नहीं गए। कबीर साहब ने मुशीर को इशारा किया कि चले बटो ही थाके पार चलने वाला जो है सो चलने वाला नहीं थक रहा है रास्ता थक गया तर सुत भैया तर में है सुते सुते वाला खटिया अपना ऊपर सुते है इस पर हमको विचार करना इसके विचार करने के लिए हमारे संत महात्माओं ने बहुत उपदेश लिया है। जो भी महात्मा आए अपने अपने समय के अनुसार जीव को रास्ता दिखलाए हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म में आया है कि हम जहां के जीव हैं तहां पहुंच जाएंगे तब हमको विश्राम मिलेगा नहीं तो हम अनवरत चलते हुए रहेंगे वह अनवरत चलना ही जो कब रुकेगा जब हम गुरु के शरण में गाते हैं अखंड मंडलाचारण व्याप्तम जैन चराचरम तत्पदम दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरुवे नमः
वह गुरु होता कौन है? महात्मा ने बहुत सुंदर परिचय दिया है कि शरीर गुरु नहीं होता, शरीर गुरु नहीं होता, इस शरीर के माध्यम से गुरु आपके शरीर में वह ज्ञान देता है, लेकिन वह गुरु जो इस अखंड मंडलाकार है, जो सारे संसार में व्याप्त है, वही गुरु मनुष्य शरीर में आकर के जीव को उपदेश देते हैं, क्योंकि जीव जो भाषा समझता है उसी भाषा में गुरु उपदेश देते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में बोल रहे हैं, हम केरला और तमिलनाडु में चले जाए तमिल भाषा में हम बोलना सकते हैं, इसीलिए हरेक भाषा में हरेक जगह वह सदगुरु आते अवतरित होते हैं समय समय पर और जीव का कल्याण करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि गुरुमुख वाणी उपजे शिष्य सांच कर मान अही विधि फंदा छूटी है और मुक्त नहीं है, ज्यादा तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम जिसके शरण में गए तो जो गुरु महाराज के मुख से पानी निकला वही तुम्हारा मंत्र है। गाते हैं ना, ध्यान मोलन गुरु मूर्ति, पूजा मोलन गुरु पदम, मंत्र मोलन गुरु वाक्यम, गुरु गुरु का जो वाक्य है वही मंत्र है, मोक्ष मोलन गुरु का, ये तो महात्मा सब कहते हैं। मैं शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूं, महात्मा जी ने सुना है कि हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो एक जन्म ये होता है कि हम शरीर धारण करते हैं। महात्माओं ने उपदेश किया है, इसी पर एक कथा आती है, किसी जमाने में एक महाउचक्का महाचोर जिसका काम ही था चोरी करना, चवाली करना, उचक्का पनी करना, वह किसी का कोई सामान लेकर के चुरा करके भाग रहा था, अब पीछे से कोई खदेड़ रहा था, पकड़ो 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 चोर को पकड़ो। ठीक उसी समय में ऐसे ही सत्संग का कहीं पर आयोजन हुआ था, वह चोर उस भीड़ में आकर के छिप गया। संजोग ऐसी थी उस समय में जो गुरुदेव थे वह उपदेश कर रहे थे कि जीव का दो जन्म होता है, एक माता के गर्भ से और एक गुरु के शरणागत होने पर। गुरु के शरणागत होने पर वह जीव का पुनर्जन्म हो जाता है। हम लोग साधु समाज में है जानते हैं, जब गुरु दीक्षित हो जाता है तो गोत्र भी बदल जाता है, क्या संसार कोई काश्यप गोत्र है, कोई भरद्वाज गोत्र है, कोई अत्रि गोत्र है, लेकिन साधु का कौन गोत्र है? साधु का कौन सा गोत्र है? एक अच्युत पुत्र है, स्वच्छूत नहीं लगता है, वह सबसे निराला पुत्र होता है, यानी गुरु के शरण में आ जाने के बाद एक पुनर्जन्म होता है। वह चोर वह बात को उस कथा को सुन रहा था, गुरु के उपदेश को वह चोर सुन रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो तुरंत जो है सो गुरु महाराज के पास पहुंचा के सरकार ये बात सही है कि हम गुरु के शरण में हो जाएंगे तो मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा? ताकि बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त है कि इस जन्म में आकर के नए जन्म में आने के बाद तुम पुनः पिछले जन्म का पाप कर्म और सुकर्म नहीं करोगे, तब लेकिन उस कर्म को ढोते रहोगे तब वह पुनर्जन्म का कोई फल नहीं मिलेगा। उसने वहीं पर तौबा किया कि सरकार अब हम अगले जन्म में जब हम आपको प्रवेश करा देंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं सभी पाप कर्मों को त्याग दूंगा।
वह गुरु के शरण में गया। गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु ने माला मंत्र दिया, तिलक चंदन कराया, कहा जाओ बेटा अब तुम फ्री हो, अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया, लेकिन याद रखना पिछला कुकर्म दोहराना नहीं, नहीं तो उससे डबल पाप लगेगा। हुआ बेचारा निकल गया, गुरु मंत्र मिला, अपना उसको रखते हुए जा रहा था कि ठीक उसी समय में वह पकड़ा गया जिसका सामान चोरी करके लेकर के भाग रहा था। ओ मनिया ढोंगना चाहे, अभी तो तुम हमारा सामान चोरी करके जा रहा था और तुम साधु के बेस में तुमको ठगने के लिए आ रहा, पकड़ा उसको और चले लेकर के पहुंचा गांव के प्रधान के पास कि महाराज ये अभी 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले हमारा अमुक सामान चोरी करके भाग गया और अब उस पाप से बचने के लिए, उस दंड से बचने के लिए वह साधु का वेश बना कर बैठा हुआ है। ये महा मन कपटी है, पाखंडी साधु है। अब वहां पर पहुंचा जज के नजदीक, ये बात जो ग्राम प्रधान थे उनके आते, क्या जी तुमने चोरी किया? कह नहीं सरकार, हम इस कदम ने चोरी नहीं किया। आगे कहता है सेठ अभी अभी 2 घंटा पहले ही चोरी किया है। कह नहीं सरकार, हमने चोरी नहीं किया। अब जज जो थे ग्राम प्रधान वो भी चकरा गए, क्या कैसे हम फैसला करें? तब कहा ठीक है, साधु का तुम भेष पकड़ लिया है तो तुम्हारा, अगर तुम वास्तविक में चोरी नहीं किया है तो लो एक लोहा का शर्त पाए कि अगर तुम वास्तव में इस जन्म में कोई नहीं पाप किया है तो लोहा का शर्त पकड़ो, गर्म लोहा का सिरा पकड़ो, अगर तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो समझेंगे तुमने कोई भी पाप इस जन्म में नहीं किया। उसको लोहा का शर्त पकड़ाया गया और मालिक की कृपा उस जीव को अपने गुरु पर इतना दृढ़ विश्वास था कि हमने गुरु मंत्र लिया है, गुरु के शरण में गए हैं, हमारा पुनर्जन्म नहीं हो गया है, हम पिछले जन्म में मन मन विचार हम जो भी कर्म किए हुए उस पिछले जन्म में किए हुए हैं, इस जन्म में मेरा कोई पाप नहीं है और उसका हाथ नहीं जला। अब उस सेठ जिसका धन चुरा के भागा था उसको फैसला किए ग्राम प्रधान के महाराज ये तो साबित कर दिया कि इसने इस जन्म में कोई काम कोई चोरी नहीं की, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी 2 घंटा पहले ही चोरी किया तो अब आप दंड के भागी होंगे। इस साधु पर आपने गलत आलोचना लगा दी। जब दंड उनको पड़ने लगा तब यह महात्मा साधु जो रुत्वत बनाता कि नहीं सरकार, ये भी जो कह रहे हैं वो भी सही है कि हम पिछले जन्म में हम ठीक है 2 घंटा पहले चोरी किए थे लेकिन वह मेरा पिछला जन्म था, लेकिन उसके बाद हम गुरुमुख हो गए तो हमारे गुरु जी ने उपदेश दिया कि गुरुमुख जब हो जाता है तो नया जन्म हो जाता है, हमको अपने गुरु के वाणी पर दृढ़ विश्वास है, आज से हम उस बुरे कर्म को छोड़ दिया है, बस गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से जीव को अपने गुरु के वाणी पर विश्वास करना होगा तब गुरु मंत्र काम करेगा, नहीं तो आज हम माला ले लिए और फिर वही कर्म करते हुए चले गए। तो आप कोई भी जीव अगर गुरु के कर्म में जाता है तो वह नया जन्म पाता है और नया जन्म पाकर के वह गुरु जो होता है तो जहाँ के जीव तहाँ पहुंचावे, वह जीव जहाँ का रहता है वहाँ पहुंचा देता है, इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। अभी एक जीव का जो है शरण में आए हैं, आप सभी से जो है निवेदन है प्रार्थना है कि उस जीव के लिए कल्याण कीजिए। Hey!
परम तल आपके जैसे शुरू।